हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजवंशी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि हमने कल ठोस अवस्था पढ़ी थी और ठोस अवस्था के हमने कल सामान्य लक्षण भी जाने थे, उसके बाद मैंने आपको ठोसों के प्रकार पढ़ाने के लिए बोला था कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आज हम इस वीडियो में ठोसों के प्रकार ही पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कल बताया भी था कि प्रकृति के आधार पर जितने भी हमारे ठोस हैं उनको दो प्रकार में बांटा गया है। इसमें नंबर एक क्या है हमारा, क्रिस्टलीय ठोस। नंबर दो क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। ठीक, तो पहले अगर हम बात कर लें क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अगर बात करें हम इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन जो हमने कल ठोस अवस्था की जो परिभाषा हमने लिखी थी वही सेम परिभाषा यहाँ पर हम लिख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको इसको रिकॉल करा दूंगा। देखो, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस होते क्या है, हमने कहा कि ये वे ठोस जिनमें अवयवी कण, यानी क्या है, ये अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है। यानी कि वहां पर जितने भी हमारे अवयवी कण होंगे वो सब क्या है, एक सीक्वेंस में लगे होंगे, यानी कि एक व्यवस्थित क्रम में लगे हुए होंगे। ठीक है, तो उन सभी को, इस प्रकार के जितने भी हमारे सॉलिड होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस बोल देंगे। ये तो बात थी क्रिस्टलीय ठोस की। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, यानी अक्रिस्टलीय ठोस जिसको अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक बात और मैं इसमें जोड़ दूं। अब हमने वहां पर भी पढ़ा था कि जब हम ठोस अवस्था की डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि ये क्या थे, एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता था। अब देखो, जब हमारे अवयवी कण एक व्यवस्थित क्रम में लगे हुए हैं तो उनमें क्या होगा कि उनकी रेंज जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट बोलते हैं। तो इनमें लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट मिलेगा और इसकी कंपेरिजन अगर हम यहां देखें तो इनमें नहीं मिलेगा, इनमें शॉर्ट मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या हम अक्रिस्टलीय ठोस, जानते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या था। इनका वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की, अब क्या है कि नियमित व्यवस्था नहीं होती। अब देखो, सिंपल सी बात है, वहां पर नियमित व्यवस्था थी और लेकिन यहां पर नियमित व्यवस्था नहीं है, तो ये बात मेरे को समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, अथवा यानी कि हम बात करते हैं कि ये सभी क्या है, जितने भी हमारे अमोर्फस सॉलिड है यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस है, वो क्या है, उनके अंदर अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था क्या होती है, एक लघु प्रासि होती है, यानी कि शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है। वहां दीर्घ रेंज क्या था, दीर्घ प्रासि थी, यहां पर क्या है, लघु प्रासि यानी शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होगा। तो जितने भी इस प्रकार के हमारे सॉलिड्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अमोर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो हमें ये बात समझ आ गई आपकी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं संदेशित और विसंदेशित गुण की, ये ठोसों के क्या हमारे प्रॉपर्टी है, जानेंगे कि संदेशित क्या होता है और विसंदेशित क्या होता है। ठीक है, तो एक बार हम जानते हो इंग्लिश में इनको बोलते हैं आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी, और ये बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है। ठीक है, बात करते हैं यानी कि संदेशित को पढ़ते हैं। पहले हमने कहा जितने भी हमारे अमोर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस है उनके सभी गुण, यानी कि अब उनके गुण क्या है, उन्होंने कहा कि भाई विद्युत चालकता है, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी, जैसे हमारे अपवर्तनांक हुआ, उसमें प्रसार हुआ, यानी अब हीट कंडक्टिविटी की बात यहां पर हम कर रहे हैं। ठीक है, आदि सभी गुण क्या है, ये कहा कि आदि सभी दिशाओं में समान होते हैं। अब देखो, ये जितने भी गुण है इन्होंने कहा कि ये सभी दिशाओं में क्या होंगे, समान होते हैं, और इस गुण को ही हमने क्या बोल दिया, आपका संदेशित गुण बोल देते हैं। और जितने भी हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हीं पदार्थों को हम क्या बोल देंगे, संदेशित पदार्थ भी हम उसको बोल देते हैं, यानी कि आइसोट्रॉपी सब्सटेंस। ये बात क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये बात यहां पर अक्रिस्टलीय की हुई थी, तो जस्ट अगर हम विसंदेशित की बात करें तो अब यहां बात आ जाएगी क्रिस्टलीय की। देखो, एक दूसरे टॉपिक को कोरिलेट करके पढ़े तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं जोड़ रहा हूं साथ साथ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पीछे क्या था और अभी यहां पर क्या होने वाला है। ठीक, इसके बाद
अब करते हैं परंतु, अब क्या करेंगे इसके बाद देखो क्या होगा कि विषमदर्शी की बात करेंगे, परंतु क्रिस्टलीय पदार्थों के उपरोक्त गुण, देखो गुण तो उनमें भी है, अब ये गुण कौन से, यही गुण है उपरोक्त का मतलब है जो ऊपर गुण हमने पढ़े हैं, इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, जो भी हमारे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सभी, इन्होंने कहा देखो उनके गुण सभी दिशाओं में क्या होगा, यहां पर समानते यहां क्या हो जाएंगे असमान होते हैं, कहा कि ये सभी गुण क्या है असमान होते हैं, यानी कि सभी दिशाओं में क्या होंगे असमान होते हैं, और ऐसे गुणों को हम क्या बोलते हैं विषमदेशी गुण बोल देते हैं, ठीक है। और इन्हें कहा कि क्रिस्टलीय पदार्थ जितने भी हमारे होंगे, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जितने हमारे भी हैं, उन सबको हम क्या बोल देंगे विषमदेशी पदार्थ भी कहते हैं, क्या कहेंगे उनको हम विषमदेशी पदार्थ। देखो क्रिस्टलीय ठोसों को हमने क्या बोला था वहां पर समदेशिक पदार्थ, और क्रिस्टलीय को हमने बोल दिया विषमदेशी पदार्थ, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय, देखो अब इसके बाद आगे क्या करते हैं, नहीं क्रिस्टलीय पदार्थों में यह गुण इस कारण उत्पन्न होता है क्योंकि उनमें भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न जो डायरेक्शन है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन जो होगी हमारी, नहीं भिन्न भिन्न दिशाओं में परमाणुओं की व्यवस्था भी क्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ये बात इन्होंने कही कि भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर हम बात करें तो परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो भी भिन्न भिन्न होती है। देखो अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर डायग्राम में, देखो यहाँ पर ये व्यवस्था आपको एक के बाद ये फिर ये फिर यानी एक व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है, तो ये साफ क्या दर्शा रही है कि ये सब क्या है विषमदेशी गुण है। अगर हम यहाँ बात करें ये व्यवस्था अलग है और ये व्यवस्था अलग है, तो आप डायग्राम से भी इस चीज को अच्छे से जान सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मुझे सेल्फ मोटिवेट मिलता रहे और मैं आगे वीडियो बनाना जारी रख सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।